हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें किसी भी पार्टी का लास्ट बैलेंस हमें अपने बिल पे प्रिंट कराना है, और अगर हम ये भी चाहें कि टोटल टिल बैलेंस क्या है, जो बिल हम दे रहे हैं उसको जोड़कर भी क्या बैलेंस उसका बन रहा है, तो ये कंप्लीट इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको आगे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप ये बिल देख पा रहे हैं, इसमें जो पार्टी है ए टू जेड फार्मेसी है, और इन्होंने इनको बिल इशू किया है। अभी जो करंटली बिल है वो 336 रुपए का है। अगर हम इनका लेजर चेक करें ए टू जेड, तो टोटल बैलेंस इनका 636 रुपए का है। अगर आप लेजर स्टेटमेंट में जाएं तो एक 300 रुपए का बिल जनरेट है और एक 336 रुपए का बिल जनरेट है, जैसा कि जो बिल अभी हमने देखा, ये अभी आप देख पा रहे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती है। पहली ये हो सकती है कि आप चाहते हैं, ये तो करंट बिल है, करंट बिल में जो इनका अमाउंट है वो 336 रुपए का है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे लास्ट बिल बैलेंस क्या है इसका, या फिर लास्ट टोटल क्या है, प्रीवियस बैलेंस क्या है, तो प्रीवियस बैलेंस जो है इसका वो 300 रुपए का है, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, कि करंट बिल को छोड़कर प्रीवियस जितने बिल का जो बैलेंस है वो यहाँ पे शो हो जाए, तो वो शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो बिल जा रहा है इसके अंदर इसको भी मिलाकर टोटल बैलेंस यहाँ पे शो हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कैसे करना है, इसके लिए आपको आना है मास्टर में, मास्टर के बाद मार्क सेटअप और सेल्फ फॉर्मेट। यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है रिवर्स में। रिवर्स में कैसे, जैसे कि अभी 6 अक्टूबर 2022 है, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे 2022 को कैसे एंटर करेंगे आप, 2022, और अक्टूबर का मंथ जो होता है वो 10th होता है, तो 10, उसके बाद डायरेक्टली 6, उसके बाद एंटर करेंगे आप। एंटर करने के बाद इनवॉइस जीओआई पे एंटर करेंगे और एंटर एंटर एंटर। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये A4 बिल के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो इसके अंदर की कमांड है, जो भी फॉर्मूला लगेगा, वो आप किसी में भी लगा सकते हैं। जैसे मैं जो आपको बताऊंगा उसका लॉजिक यूज करके, चाहे आपके पास हाफ बिल फॉर्मेट हो, चाहे आपके पास A4 हो, चाहे आपके पास थर्मल हो, किसी भी तरीके का बिल फॉर्मेट हो आपके पास, जो अभी हम सीखने जा रहे हैं, जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका लॉजिक यूज करके आप किसी में भी कर सकते हैं। तो अब आपको आना है बिल फॉर्मेट पे, और उसके बाद आना है ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल के सेक्शन में ही आपको आना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह का फॉर्मेट हो आपका। उसके बाद इन दो लाइनों को आप क्या कर लें, कॉपी कर लें। जैसे कि मैंने इन दो लाइनों को कॉपी कर लिया, ध्यान से देखें दोस्तों, एक ग्रैंड टोटल जो लिखा है मैंने इसकी लाइन को कॉपी किया है, और जो इसका एक फॉर्मूला लगा हुआ है यानी कि कमांड जो लगी हुई है इसको कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद और इसके लास्ट में जो है ये LF1। अब ये दोस्तों क्या होता है LF1? LF1 क्या होता है दोस्तों, कि जो भी लाइंस जो लिखी हुई है उसके नीचे एक लाइन क्रिएट कर देता है, मतलब उसके नीचे आपका जो है ये कैरेक्टर आएगा। अब मैं यहाँ पे एंटर करके इसको पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये कहाँ प्रिंट हो रहा है। उसके बाद कंट्रोल W से सेव करें और कंट्रोल L करके उस पार्टी को सर्च करते हैं और उसका बिल ओपन करके प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पे प्रिंट हो गया, बट अब हम यहाँ क्या चाहते हैं, अब हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्टर को लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे आपको लिखना है, ये तो क्लियर हो गया कि कहाँ पे आपको मेंशन करना है। अब दोबारा से ग्रैंड टोटल में जाके इसको हम टाइप कर देते हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसा भी जैसे जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ टाइप कर दिया लास्ट बैलेंस, और उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान देना है, इसकी कमांड को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करके आपको यहाँ पे लिखना है पार्टी बैलेंस। अब जैसे ही आप पार्टी बैलेंस लिखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, बट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है पार्टी लेजर बैलेंस करंट। इस पे आप एंटर करके और यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस करने के बाद अब हम कंट्रोल W से सेव कर देते हैं, और दोबारा से चलते हैं कंट्रोल L, और उसी पार्टी के लिस्ट में पहुंचते हैं, और अब देखते हैं कि क्या है इसका बैलेंस। तो देखिए दोस्तों, तो ये जो है पहले सिचुएशन है जो मैंने बात करी, कि अभी जो करंट बिल इनका जनरेट हुआ है वो तो है इनका 336 रुपए का, और लास्ट बैलेंस जो है इनका वो है 300 रुपए का। तो ये लास्ट बैलेंस की पेमेंट करनी है इनको 300 की, और इस बिल की पेमेंट करनी है 336 की। अब दोस्तों क्या है कि अब अगर आप चाहते हैं इस बिल को मिलाकर और पिछले जितने भी बिल्स गए हैं उन सबको मिलाकर पार्टी को टोटल कितना पे करना है टिल डेट, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, स्किप स्किप करके
ग्रैंड टोटल में आएंगे, और ग्रैंड टोटल में आने के बाद दोस्तों इसको आप क्या कर लेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैंड टोटल के नीचे जो ये ओरिजिनल कमांड है, सबसे ऊपर देखिए एक तो हमने कॉपी करके उसको चेंज कर दिया और एक जो ओरिजिनल है इसको आप क्या कर लेंगे दोस्तों, कॉपी, सिर्फ इतने ही सेक्शन को आप कॉपी करेंगे और उसके बाद जाएंगे जहां पे अभी हमने कमांड लगाया लेजर बैलेंस का, यहाँ पे आप करेंगे प्लस, प्लस करने के बाद कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देंगे, तो हमने पेस्ट कर दिया और उसके बाद आप यहां पे लिख सकते हैं लास्ट, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं जिससे पार्टी को अंडरस्टैंडिंग हो, टोटल टिल डेट बैलेंस, उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू से हम इसे सेव करते हैं, कंट्रोल एल, फिर दोबारा से चलते हैं पार्टी की लिस्ट में और बिल का प्रीव्यू कर लेते हैं। मैं बिल का प्रीव्यू कर कैसे रहा हूं दोस्तों, एंटर करके प्रिंट और यहां पे मैं एफ का बटन प्रेस कर रहा हूं बिल का प्रीव्यू करने के लिए। तो देखिए दोस्तों यहां पे टोटल टिल डेट बैलेंस 636, अब 636 कैसे हुए, क्योंकि 300 रुपए तो इनका पहले का बैलेंस है और 336 का बैलेंस अभी जनरेट हुआ है, तो दोनों को मिला के 636 हो गए। अब अगर दोस्तों इसके आगे और भी आप कुछ लिखना चाहते हैं और हो सकता है कि जो कैरेक्टर है इसके ऊपर आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, मेरे अभी जो मैंने टाइप किया उसमें कैरेक्टर ऊपर नहीं आ रहा, लेकिन आप और भी इसमें लिखेंगे डिटेल के अंदर, जैसे कि मैं डिटेल में आप लिख देता हूं, जैसे टोटल टिल डेट बैलेंस, तो मैं यहां लिख देता हूं कंप्लीट टोटल टिल डेट बैलेंस। अब ये हो सकता है कि आपके कैरेक्टर के ऊपर आ जाए जो हमारी वैल्यू आ रही है वहां पे, तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, जो आप ये देख पा रहे हैं नंबर्स, इस नंबर्स को आप कम कर देंगे, सपोज कि मैंने इसको कर दिया 40, अब क्या होगा कि ये कैरेक्टर हल्का सा पीछे हो जाएगा। अब हम दोबारा से चेक करते हैं, तो देखिए दोस्तों अभी भी क्या है, ये कैरेक्टर इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, तो 20 से काम नहीं चलेगा, हमें और पीछे करना पड़ेगा इसको, समथिंग 40-0 करना होगा हमें। तो दोबारा से आप ग्रैंड टोटल में आएंगे और जो ये 40 है हम इसको भी माइनस करें। दोस्तों अगर ये नंबर्स आप कम करेंगे तो जो आपकी लाइन है वो लाइन जो है ऑटोमेटिकली पीछे होती रहेगी, अगर इस नंबर को आप बढ़ाएंगे तो लाइन जो है आपकी आगे जाती रहेगी, यानी कि लेफ्ट करने के लिए है, नंबर्स बढ़ाएंगे तो वो राइट करने के लिए। तो हमने नंबर्स कम कर दिए, अब हम दोबारा से चेक करते हैं, तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, कंप्लीट टोटल टिल डेट बैलेंस 636 रुपए। तो दोस्तों इसमें जो भी चीजें मैंने आपको बताई है इसका लॉजिक यूज करके आप अपने हाफ बिल फॉर्मेट में कर सकते हैं, थर्मल में कर सकते हैं, अगर आपके पास A4 है तो A4 में आपने देख लिया है। अगर फिर भी कोई आपको इश्यू आता है या फिर भी कोई आपका सजेशन है या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।